हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संख्या कैदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की प्रभावी डेट है 11 सितंबर से ओपन होने वाली है। आपको पता है दोस्तों कि काउंसिल डेट है वो कोडिंग करने वाली है 11 से 13 सितंबर, और 16 सितंबर को जो है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, और 17 से 20 सितंबर तक दोस्तों आपको जो है जो सीट आपको अलॉट हुई है वहाँ पर आपको क्या करना है। इसी से दोस्तों आज कुछ वीडियो लाए हैं काउंसिल में। इससे पहले दोस्तों कुछ क्वेरीज थी आपने वो मिनट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे काउंसिल में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता था कि आपकी क्वेरी जो जो थी उसमें मैंने लिख दिया है, और हम इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के बाद देखेंगे काउंसिल कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो पूछा था कि हम कितने कॉलेज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप पर आपके उतने कॉलेज कर सकते हैं। आप इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच में जितना आपका मन करे अपने कॉलेज उतने ब्रांच आप कर सकते हैं, या एक ही कॉलेज से सभी ब्रांच कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप एक ही कॉलेज में सभी ब्रांच कर सकते हैं। TFWC के लिए कैसे ब्रांच कर सकते हैं ये भी दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि TFWC के लिए कैसे भर किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों EWS भरने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों EWS अगर आप भरेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के होते हैं उससे आपका जो है EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अभी तक जो है आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। जिन स्टूडेंट का अभी तक EWS सर्टिफिकेट नहीं बना है वो EWS कैटेगरी नहीं ला सकते। उसके बाद जो दोस्तों गैर सर्टिफिकेट एडमिशन में चाहिए या गैर सर्टिफिकेट दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, किसी कॉलेज में मांगते हैं और किसी कॉलेज में नहीं मांगते हैं। और इसके बाद अगर मांगेंगे तो दोस्तों गैर सर्टिफिकेट कहाँ से बनो, तो दोस्तों आप इसका जो है ऑनलाइन फॉर्मेट बना सकते हैं, और कोई भी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक है या सेल्फ कुछ जहाँ तक मुझे पता है आप जो है सिग्नेचर करके इसे बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं TFWC एग्जाम मिलने पर क्या नॉर्मल फीस मिल जाए। तो दोस्तों बिल्कुल आपको अगर आपने TFWC डाली है और नॉर्मल फीस दोनों डाली है तो आपको TFWC नहीं मिली है तो आपको नॉर्मल फीस मिली। इसके बाद दोस्तों TFWC एग्जाम मिलने पर क्या नॉर्मल फीस मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने TFWC कैटेगरी डाली है तो आप जो है जनरल TFWC को काउंट करते हैं तो आपको जनरल सीट भी प्रोवाइड हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं। इसके बाद दोस्तों आप चलते हैं क्या ग्रुप ए की फीस रिजर्व होती है या नहीं। तो दोस्तों ग्रुप ए की फीस जो है वो रिजर्व नहीं होती है। ग्रुप ए में भी दो पार्ट आते हैं आपके, एक इंटर वाले और एक आईटीआई वाले। तो दोनों की जो सीट है अलग अलग होती है, अलग अलग जो है वहाँ सीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों है आपका स्टूडेंट जिन्हें EWS फीस भरना है और स्टूडेंट जिन्हें EWS नहीं भरना है। तो दोस्तों EWS वही लोग भरेंगे जिन्होंने अभी तक जो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि इसे बनने में दोस्तों टाइम लगता है। अगर आप अभी अपना EWS कैटेगरी डालेंगे तो आपको जो है EWS नहीं मिलेगी सीट, आप ओपन में काउंट हो जाओगे। तो कुल कितनी काउंटिंग होती है, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी रैंक जो स्टूडेंट जिनकी रैंक 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इतनी ज्यादा भी है तो उसका जो है कॉलेज सीटें के साथ कम होती है पर काउंटिंग। तो कितनी काउंसिलिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो दोस्तों में आपकी 3 काउंसिलिंग होती थी, आप रैंकिंग के साथ से 2 काउंसिलिंग होती है टोटल। उसके बाद दोस्तों आपकी जो स्पोर्ट काउंसिलिंग होती है, जैसे आपकी रैंक ज्यादा है 4,000, 5,000, तो आपको जो है स्पोर्ट काउंसिलिंग में आसानी से बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर आपको फर्स्ट काउंसिलिंग में सीट नहीं मिली है कोई टेंशन नहीं है, आपको सेकंड काउंसिलिंग का इंतजार करना है। अगर सेकंड में भी नहीं मिली कोई टेंशन नहीं है, उसमें आपको स्पोर्ट काउंसिलिंग में बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि हर काउंसिलिंग के लिए जो है आपका सीट रिजर्व होती है। ये नहीं की सभी सीटें आपकी जो है फर्स्ट काउंसिलिंग में ही भरी जाएंगी, अलग अलग काउंसिलिंग के लिए सीटें जो है रिजर्व रहती है। अगर फर्स्ट काउंसिलिंग में 19 सीटें जाए तो सेकंड में हो सकता है 10 सीटें बच जाएगी। इस टाइप से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको टाइम टाइम पे बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडमिशन के टाइम पे कितनी फीस जमा करनी होती है, तो दोस्तों आपको उसमें लिखा है 8,000 रुपए आपको जो है एडमिशन के टाइम पे फीस जमा करनी है। क्या विदाउट टीसी नहीं होगा एडमिशन? तो दोस्तों ये बहुत वेरी स्टूडेंट थी कि अगर हमारे पास टीसी नहीं है तो हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आपको वो टाइम देंगे 10 दिन 15 दिन, उस टाइम के अंदर आपको जो है स्कूल से
अपने पीसी लेके वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसका जो है उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम मिल जाता है दोस्तों, वो 10 दिन का टाइम आपको क्वालिफाई दे देते हैं कि आप 10 या 15 दिन का अपना जो है या जो भी डॉक्यूमेंट आपके रह रहे वो प्रोवाइड करते हैं। आते हैं जिनका काउंसलिंग करते जो है, तो ये चीजें दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान देना है और क्या क्या करना है काउंसलिंग में। तो चलिए हम चीजें दोस्तों काउंसलिंग में ही करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना। क्रोम ब्राउजर जैसे ही आप लोग को ओपन करोगे उसके बाद आपको सर्च करना है ukcounseling.nit.in, इसको आपको सर्च करना है और इसमें क्या करना है क्लिक कर। उसके बाद दोस्तों आपका एक पेज ओपन होगा, आपका ओपन होगा तो इसे आपके लिए क्या करना है क्लिक कर। इसके बाद दोस्तों आपका जो पेज ओपन होगा इन दोस्तों ने अगर आपने फोन से अपने काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर थ्री बटन पेज सेट को वहाँ पर आप लैपटॉप का एडवर्स कर सकते हैं और जिनका लैपटॉप में है और अगर जीरो में लैपटॉप है तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूरा दोस्तों देख रहे हैं आप पेज ओपन हो चुका है ई काउंसलिंग फॉर डिप्लोमा कोर्सेज सेशन 2021-2022। तो दोस्तों इसमें जो एग्जाम कर रहे हैं जीवन सीट मैट्रिक हमने आपको प्रोवाइड कर दी थी और इसमें नई चीज जो है जैसे यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रुप भी अलग अलग जो आपके ग्रुप से है उनके लिए अलग अलग जो है काउंसलिंग दी जाएगी। अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिर करना पड़ेगा। ग्रुप ए के लिए टू लेटर लेटर जो होता है यहाँ पर फिर करना पड़ेगा। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं तो ग्रुप एम एड और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कर रहे हैं तो ग्रुप सी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग क्या होगा अलग अलग लिंक है उसमें आपको क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर एडिशनल लिंक, तो यहाँ पर की अब तक जो भी स्टूडेंट जो है ट्यूशन लिंक है वो मैं आपको अभी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है। वो आता है तो उसको जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा की अब तक और ईडब्ल्यूएस के लिए जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का भरना चाह रहे हैं उसके लिए ये फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है दोस्तों ये आपने सीधे नहीं भरना है, ये आपको या कोई अदर गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके लिए आपको पहले से ही इनमें बनने में कम से कम 20-25 दिन लगते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, जिन्होंने बनवा लिया उनके लिए अच्छी बात है वो इसे कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बनवाया जो जनरल में है वो जिन्होंने नहीं बनवाए वो क्या करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों चलिए हम ग्रुप बी को ले लेते हैं। आप दोस्तों ये मत समझना कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रुप ए जो है एम नेट बी है इनमें अलग अलग होगा, सेम है एक को करके दिखा रहा हूँ, सेम चीज होंगी सबके अंदर, सेम चीज प्रोसेस होगा। एक को देखिए सारे आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, पूरी वीडियो देखिए एक को करेंगे और ये सब में सेम चीज होगी। ये नहीं की आप बोलेंगे कि ग्रुप ए का नहीं किया एम का नहीं किया बी का नहीं किया, एक ही में सेम चीज है अंदर, एक को अच्छे से देखिए सब कुछ हो जाएगा आपका। तो हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिखे हुए हैं रोल नंबर ये पासवर्ड छुपाए हुए हैं इंजीनियरिंग ग्रुप के फ्रेंड को हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप का काउंसलिंग करके आपको बताएं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं अंदर। तो इस टाइप का दोस्तों आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर जो है रजिस्टर नहीं किया तो नीचे आपको दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये आपको एग्री डिसएग्री करना है, इसमें आपने आई एग्री कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर रोल नंबर कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ और जो यहाँ पर सिक्योरिटी फीस है वो लिखना है। तो चलिए मैं अपना रोल नंबर कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ और अपनी सिक्योरिटी फीस है उसे वो कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो दोस्तों रोल नंबर है 3-0-4-1-3। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट नेम सिक्योरिटी पिन भरेंगे 9-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9
लेकिन उसको अभी नहीं करनी है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही उसको हमें सबमिट किया, यहाँ पर आपका वीडियो आ गया है कि रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर देना। तो दोस्तों मोबाइल नंबर अप्लाई नहीं किया क्योंकि जो है आपको जब आप स्क्रीन अलॉट होगी इसमें आपका मैसेज, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिया और यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। हमने ईमेल आईडी भी लिखी और इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको ना पासवर्ड जनरेट करना है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी। यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड पूछेगा, वो भी आप कर दीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया है, तो दोस्तों मैच नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ होगी, मैं दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना।
यहाँ पर कंफर्म मेडिसिन पूछेगा फिर से कर देगा यहाँ पे। इसके बाद डॉक्टर यहाँ पर देखिए सेम आपने किया यहाँ पर और नियम आ गए। अच्छा तो यहाँ पर इसमें यस नो कर देना है डॉक्टर, ये आपने नो कर देना है, इधर ब्लैंक भी छोड़ देने से आपने नो कर देना और पूरी तरीके से करें कि आप कंफर्म मेडिसिन हो जाए। उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर आपको एड्रेस और ये चीजें जो भी है वो चीजें आपने यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट हो तो कैंसिल देखिए हम कर देते हैं अगर मान रहे हैं यहाँ पर टीम कॉलोनी ठीक है यहाँ पर कंट्री और सिटी भी अपन कैरेक्टर आर अलाउड। यहाँ पर आप जैसे आपकी जो है आपकी जो भी एड्रेस है वो
की आप करके उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा और यहाँ पर जो होगा सेव एज कंस्ट्रक्टर उस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पूछेगा आपसे कंस्ट्रक्टर दीज फिफ्टी मेथड्स विल बी यूज्ड फॉर ईच अलॉटमेंट को काइंडली वेरीफाई केयरफुली बिफोर सबमिट वन सबमिटेड देयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यदि आपको सिलेक्ट करेंट चॉइस फेस एंड जो करनी है आपको दो तो आपको किसी चॉइस करनी है जैसे आपके पास टोटल जो है चार सौ नब्बे सीट जो है आपके पास चार सौ नब्बे चॉइस जो है अवेलेबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉइस अभी जो है आपको जनरल सीट मिल जाए
तो और ये भी नहीं है अगर AWS वाले हैं वो ओपन में भी काम करते हैं, उन्हें पता चल सकती है भी मिल जाती है और अपनी कैटेगरी की तो मिलती मिलती है। ये चीज बेनिफिट जो कैटेगरी वाले हैं यहाँ पर कुछ आए हुए प्रोग्राम हियर कैंडिडेट विल हैव डन सम चेंजेस इन फॉर रीसेंटली आर नॉट ब्यूटीफुल सो यू वांट टू सेव दिस। अभी मैंने तो सेव नहीं करना है, अगर आपने तो इसको सेव पर मैं पास सेव कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक कॉलिंग नहीं आ रही है। मैंने तो सोच कर आपको क्या करना है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर यह है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे रिमूव कर दीजिए अगर आपको हटाना है कि आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आप एंटर मूविंग को आपकी ज्यादा प्रायोरिटी के लिए होते पहले प्रायोरिटी के लिए होती आप क्या करेंगे बाद में रखेंगे। मैंने तो उसको ये कॉलेज को डालने लिए तो मैं हटा देता हूँ, मैं आपको देखा देता हूँ कि मुझे कौन से कॉलेज डालने। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के साथ आपको सबसे पहले TFW डालना है क्योंकि आपको TFW चाहिए। तो TFW क्योंकि TFW में दोस्तों बेनिफिट ये है कि आपको जो फीस है वो कम हो जाएगी, 8000 आपको 5000 जमा करनी है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, TFW और EWS में एक अंतर यह है कि TFW वालों की जो फीस है ट्यूशन फीस रहती है, उनकी जो फीस है वो तो माफ हो जाती है, लेकिन EWS वालों की जो है दोस्तों फीस उतनी रहती है, उनकी फीस माफ नहीं होती। उन्हें बेनिफिट ये मिलते हैं कि उनकी ये जो है अलग से सीटें जो है वो रिजर्व हो जाती है और उनका कुछ बेनिफिट इसमें नहीं होता है, ओनली सीट में उनका जो है रिजर्व होता है। उसको हमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है फीस वाला में सुना है। सिविल इंजीनियरिंग जो है ब्रांच को क्या करती है उसके बाद उसको हमने और कोई ब्रांच लेनी नहीं है क्योंकि जिन स्टूडेंट को ऑनली स्टीफन चाहिए तो हम क्या करेंगे सीबीली यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने TFW सीबी ली है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाला। अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचा है यहाँ पर आप सेव करते जाइएगा और यहाँ पर आपके पास क्या है एक और हमारे एड करने के तौर पर। तो दोस्तों आपने पहले यहाँ पर देखिए आपको पहले से क्या कर देना है वहाँ पर कैटेगरी जो सब कैटेगरी है वहाँ पर TFW लिखना पड़ेगा तभी आपके लिए TFW सीट जो है ओपन होगी, वरना आपके लिए जो है ओपन नहीं होगी। वो चीज आपको ध्यान से करना है अपना रजिस्ट्रेशन क्योंकि वही किया जाएगा। उसके बाद आगे दोस्तों हमने कुछ देना है क्योंकि स्टूडेंट ने बोला है कि हमें हर एक्टिविटी तो दोस्तों देखते हैं ज्यादा रैंक तो है मिलने की चांस कम है लेकिन देखते हैं अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो सेकंड काउंसिल का इंतजार करेंगे, नहीं मिलेगी सेकंड में तो स्पॉट। स्पॉट में तो दोस्तों पिछली बार का मैंने डेटा लिया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले से जहाँ 11,000 रैंक वाले स्टूडेंट को सिविल ब्रांच हो तो हार मत मानिएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको 10,000 रैंक होगी उससे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून मिल जाए, भले ही दोस्तों लास्ट में मिले और काउंसिल में मिले लेकिन मिल जाए। ये नहीं कि आप तो लास्ट तक आपको क्या करना है फर्स्ट काउंसिल में आप जितना हो सके उतने कॉलेज फिल कर दीजिए जो आपको चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी वहाँ एडमिशन ले लेना है। उसके बाद सेकंड काउंसिल करनी है, उसके बाद जो है अगर आपको सेकंड काउंसिल में सीट मिलती है तो उनकी क्या होना है ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपको वो फिर स्पॉट करना है तो स्पॉट में अगर आपको अच्छे मिल गए तो वो आपकी ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगी आपको कुछ दिन तक। इस प्रकार से जो 5,000, 6,000, 7,000 वो स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं एक बेस्ट कॉलेज पे अपना ले सकते हैं सीट। तो दोस्तों ये चीजें हमने कर दी और अगर आपको जितने कॉलेज आपको लेने हैं ये नीचे देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वारा हार्ड वर्क हो रहा है ये जितने भी अच्छे कॉलेज है वहाँ आपको एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछते रहेगा आपको क्या कर देना है सेव कर देना है या फिर सेव होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जिसने आपको भरना है ऐड करते रहिए ये चीज मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले आपको TFW वाले सीट कर देना है, ये नहीं कि आप जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून में हो वहीं की TFW करेंगे ऐसा नहीं है। आप TFW काशीपुर की भी कर सकते हो, आप श्रीनगर की भी, आपको पहले जितने कॉलेज में TFW है वो सब भर देना है क्योंकि आपके चांसेस तभी ज्यादा होंगे TFW सीट मिलने। तो उसके बाद आपको क्या करना है मैनेजमेंट चॉइस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ मैनेज कर सकते हैं फिर चॉइस को देखिए दो चॉइस है इन्हें ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, चॉइस इंटरचेंज कर सकते हैं आप
to support the ministry for choice pair is आगे पीछे event कर सकते हैं. इसके बाद आपके पास multiple detection का certificate और उनको आधार beauty institute और ये देखते हैं पास. इसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, log choice करना है. log choice में दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है, logging agreement. after logging candidate is not allowed to make any modification in skills choice. तो दोस्तों अगर आपकी logging log कर दिया है कोई भी आप modification जो है नहीं कर पाओगे जो है आपका इसमें. तो इसके बाद please click all the skills choice carefully before logging. तो logging से पहले दोस्तों आपको skills से क्या कर लेना, पढ़ लेना है मैंने क्या किया नहीं किया, कौन सा कॉलेज ऊपर देना है कौन सा कॉलेज नीचे देना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो दोस्तों हमने तो दो ही कॉलेज कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा कॉलेज करेंगे तो हो सकता है आपको उसमें कंफ्यूजन हो, आपको मैंने इसको वालों को पहले देना है लेकिन काफी को पहले हो. तो उन सब चीजों को एक ऑर्डर में रख के आपने क्या करना है, एग्रीमेंट देना है. तो हम यहाँ पर कर देंगे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस. तो यहाँ पर आपसे दोस्तों क्या पूछेगा, पासवर्ड तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया है. तो दोस्तों यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देंगे, पासवर्ड लिख देते हैं दोस्तों हमने पासवर्ड लिख दिया है और यहाँ पर पूछेगा नो योर चॉइस. Early locking does not mean early allotment of monthly bonus. देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि आप चाहे कितना ही पहले जो है वो कर दीजिए काम, तो ये इसका ये डील नहीं है कि आपने जल्दी किया है तो आपको अलॉटमेंट जल्दी मिल जाएगा, ये इसका है. इसके बाद है द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रैंक. तो दोस्तों चाहे आपके जो रैंक है फर्स्ट रैंक है और आपने लास्ट में किया है तो आपको फर्स्ट रैंक के बेस पे ही जो है सीट मिलने वाली है. तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो आपके रैंक लिस्ट पे होगा, ना कि आपके जल्दी क्या करने पर काउंटिंग करने पर, इस पे डिपेंड नहीं है. चॉइस वन लॉक कैन नॉट बी चेंज. अगर आपने चॉइस जो है लॉक कर दिया, अगर मैं यहाँ पर यस लॉक कर देता हूँ इसके बाद चॉइस जो है यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता. तो आर यू यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर चॉइस. तो यहाँ पर पूछेगा कि आपको मांग कर रहे हो कि आप लॉक चॉइस करें तो आपको यहाँ पर पासवर्ड आपकी हेल्प कर यहाँ पर डू यू वांट सबमिट. तो अगर आपको सबमिट करना है तो ये नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही करेंगे तो दोस्तों देखिए हमारे सामने क्या पेज होगा. तो हमारे पास कितने अवेलेबल चॉइस थे, 400 अभी भी हमारे पास कितने बचे हैं, 400 लेकिन हम लॉक कर चुके हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे. तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, इस टाइप से आपने काउंसलिंग कर ली है. और जो दोस्तों है मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, इसे अच्छे से देख लीजिए. आप नहीं हो रहा कोई अगर क्वेरी फिर भी बचे तो कमेंट दीजिए, उसकी एक और वीडियो आ जाएगी आपके लिए. देखिए आपकी जो है कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपको क्या करना है, कैसे फिल करना है और कैसे क्या करना है. कुछ प्रॉब्लम होगी इसके बीच में बोलने में कि यहाँ पर क्योंकि मुझे इनका पता नहीं था, फॉलो अप करना पड़ा तो थोड़ा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ा. कोई भी दोस्तों इसमें थोड़ा अगर आवाज की प्रॉब्लम हो तो वो उतना जो काम का है उतना अच्छी क्वालिटी आएगी ना आएगी. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, व्यू सिस्टम जनरेटेड डेटा जो आएगा बाद में अभी यहाँ पर जनरेटेड हो गए अभी आप अभी काम के. अब आपकी काउंसलिंग हो चुकी है बस यहाँ पर और आपको कुछ नहीं करना है. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि लोग जो है ज्यादा साइबर कैफे में या वहाँ जाके काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, साइबर कैफे वाले कॉलेज जो है आगे पीछे हो जाती है. तो इससे पहले दोस्तों आप अपने फोन में काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर हेल्प मिले, क्योंकि दोस्तों हम चैनल और और ये चीजें लाते रहते हैं, क्योंकि अब आपने जो नेक्स्ट काउंसलिंग होनी है उसमें भी हम आपको बताएंगे और इसका रिजल्ट जब आएगा तब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आपको टाइम टाइम पे जो है न्यूज देते रहेंगे. क्योंकि जो ज्यादा रैंक वाले हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग है कोई ये मतलब और स्टॉप है मिलना, तो उनके सेकंड काउंसलिंग में क्या करेंगे और वो चीज तो मैं आपको बता सकता हूँ. दो काउंसलिंग होती है, एक स्पॉट काउंसलिंग होती है. वो आपको तीन काउंसलिंग का थ्योरी रखना है, ये नहीं कि आपको मिला नहीं और आप बोले सर मुझे मिला नहीं अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों. आपको नहीं मिला तो
लेकिन काउंसिलिंग में आप जैसे कि 6000 पाएंगे आपकी, फिर भी नहीं मिला, फिर बोले कि सर मुझे तो मिला ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों इसके बाद भी आपकी स्पॉट काउंसिलिंग होती है, स्पॉट काउंसिलिंग में तो प्रोपोजल का बार बार 1000 रैंक वाले को मिल जाता है, और जैसे कि आपके रैंक है 1000 और उसे मिला है 9000, अगर उसे 6 वाला चाहिए उसे तो मिल जाएगा जैसे काउंसिलिंग में, लेकिन अगर आपके रैंक है 5000 नहीं मिला तो आपको स्पॉट काउंसिलिंग मिल जाएगी। ये चीज से आप जरा टेंशन मत लीजिए, मेरे 10000 है 11-12 कोई टेंशन नहीं है, हर रैंक को मिलेगी, बट आपको 20-25 दिन जितने भी दिन आपकी काउंसिलिंग करेगी या 1 महीने तब तक आपको धैर्य बनाए रखना। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, आपकी जो है क्वेरी अगर सॉल्व हो गई है, अगर आपको क्लियर सब कुछ हो गया है तो उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ भी और डाउट बचते हैं तो कमेंट कीजिए, उस पर एक वीडियो और जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।